इतनी शक्ति हमें दे न दाता, हमारे घर वाले हमें जो भोग देंगे हम सुन लें। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे जी। और आज हैं अपन अलवर में, तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम अलवर। तो भाई अभी अपन निकल रहे हैं अलवर से सीधा जयपुर के लिए, क्योंकि अपनी ब्लैक मामा जो है उसमें थोड़ा बहुत काम करवाना है, और जो लॉन्ग राइड की तैयारियाँ चल रही हैं उसके लिए भाई काम भी ज़रूरी होता है। क्योंकि देखो, वहाँ दिक्कत आने से बेटर है कि अपन पहले से कुछ काम करके चलते हैं। और ये रहे अपने भवी भाई, रात को भाई ये मेरी बुआ के बेटे हैं भवी भैया, और ये करण भैया, ये बड़े हैं वो छोटे हैं। तो रात को भाई आराम से यहाँ रुके थे, मस्त मज़े करे, बहुत टाइम बाद मिला, काफ़ी टाइम बाद अलवर आया था यार बुआ के यहाँ पर। तो गाइस अभी निकल रहे हैं सीधा जयपुर के लिए, मैं और एक भैया के फ्रेंड है साहिल भैया, वो भी साथ में जा रहे हैं, तो वो अपने को रास्ते में मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, और शाम को मेरे को 8 बजे से पहले पहले घर पहुंचना है। तो देर नहीं करते और मिलते सीधा आपको बाइक पर। सो भाई लोगों, अभी टाइम हो चुका है अलवर को बाय बाय करने का, और यहाँ से हो जाएंगे भाई लेफ्ट और सीधा ये कनक घाटी पर उतार देगा ये रोड। और यहाँ से भाई अपन जाएंगे सीधा जयपुर। जयपुर का जो रोड है भाई, यहाँ से अराउंड बैठेगा करीबन 150 किलोमीटर, और टाइम लगेगा भाई अपने को 3 घंटे के तो हंस के लग ही जाएंगे। 12 बजने तो मतलब 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। भाई रोड पे बंदे उल्टे चलते हैं यार, देखा भी आपने वो स्प्लेंडर वाला बिल्कुल उल्टे हाथ पे आया एकदम से यार। ट्रैफिक रूल कितना भी सही कर ले, ट्रैफिक वाले बेचारे, इनका कोई दोष नहीं है, बट जब तक हम आम आदमी सही नहीं चलेगा तो भाई तब तक कुछ भी नहीं हो सकता सही। सो फाइनली भाई लोगों, अभी साहिल भैया को बैठा लिया है, और ये भाई यहाँ से अलवर से ना दो रूट जाते हैं, एक तो जाता है ये वाला सिकंदरा होते हुए, और एक ऊपर से जाता है वहाँ से होता है दौसा उतरते हैं। तो भाई वो रोड थोड़ा सिंगल रोड है, उस पर मैंने पहले किया हुआ है, वो सरिस्का वाला रोड है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी जो अपन चल रहे हैं भाई, वो चल रहे हैं सिकंदरा वाले रोड से। ये रोड बोला है कि यार वहाँ से 1000 गुना बेटर है, तो होप करता हूँ ये रोड अच्छा ही हो, क्योंकि ऑलरेडी अपन बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। तो निकल चुके हैं भाई अभी यहाँ से, और लग जाएंगे अपने को 3 घंटे, 141 किलोमीटर है यहाँ से जयपुर, और सिकंदरा है 67। तो भाई यहाँ से 67 ज़्यादा नहीं तो 1-1.5 घंटा तो ये लग जाएगा, फिर वहाँ से 1-1.5 घंटा वो लगेगा, तो मतलब 3 घंटे अपने कहीं नहीं गए। और बच चुके हैं भाई 12:15, तो मतलब 3 बजे तक का पहुँचने का मेरा पूरा ट्राई रहेगा कि मैं 3 बजे तक जयपुर पहुँच जाऊँ, क्योंकि यार काम बते रहे हैं और काम नहीं हुआ ना तो भाई लग जाएंगे, क्योंकि मेरे को निकलना है लॉन्ग राइड पर। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो भाई वहाँ दिक्कत आएगी, इससे बेटर है कि यहीं पहले सारी दिक्कत को ठीक करके चलते हैं। भाई इस रोड पे गड्ढे नहीं तो ब्रेकर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि 1 किलोमीटर की रूट पे यार कम से कम 6-7 ब्रेकर आ चुके हैं अभी तक ही। भाई किसी को भी यहाँ ट्रैफिक रूल का कोई मतलब नहीं पता, तो भाई इंडिया में ना बाइक को थोड़ा सेफ चलाओ, अपने हिसाब से चलाओ, क्योंकि कुछ भी नहीं पता आदमी और जानवर कब कहाँ से निकल जाएं। सो भाई लोगों यार ये रोड तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उस वाले रोड से तो मच बेटर है यार। अभी हम इस रोड पे ना ज़्यादा नहीं तो 25-30 किलोमीटर चल चुके हैं, बट मुझे कोई भी कहीं कमी नहीं लगी। बट हाँ इसमें ब्रेकर बहुत ज़्यादा हैं, और भाई बाकी तो परफेक्ट है रोड, कोई दिक्कत नहीं आ रही 1% भी। और रोड थोड़ा सिंगल है यार, देखो मतलब सिंगल रोड है, 1-way ट्रैफिक चलता है यार इधर। ये देखो भाई को यार, भाई क्या होगा इन ट्रैफिक का मतलब। और भाई अभी यहाँ से रह गया है जयपुर अराउंड 120 किलोमीटर के आसपास, और ये आ चुका है भाई कोई तिराया। बट यार ये रोड है ना मुझे मच बेटर लगा उस वाले रोड से, तो चलने तो जा रहा जब तक चल रही है, और मेरे GoPro की बैटरी भी लो हो चुकी है, तो आई हैव एक्स्ट्रा बैटरी, तो मेरे को अभी थोड़ा आगे रुक के थोड़ा चेंज करूँगा बैटरी को। सो भाई लोगों फाइनली अभी अपन पहुँच चुके हैं सिकंदरा पर, और भाई सिकंदरा से ये आ चुका है सिकंदरा रोड, मतलब आई मीन एंड हो चुका है सिकंदरा का, और ये भाई आ चुका है मेन रोड अपना NH 21 आगरा जयपुर हाईवे। राइट में जाओगे तो यहाँ से भाई जयपुर, लेफ्ट में आगरा और मथुरा, बालाजी, गंगापुर, दौसा, वो राइट में है।
तो अपने को चलना है जयपुर, तो हो जाएंगे यहाँ से राइट। और भाई लोगों बहुत लेट हो चुके हैं, अभी 1:10 तो इसी रूट पे हो गए, बट अब यहाँ से अपने को ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला है। यहाँ से मैक्स टू मैक्स अपने को 1.5 घंटा लगेगा, मतलब अपने 2:30 तक वहाँ मोस्ट प्रोबेबली पहुँच जाएंगे, जयपुर एंटर कर जाएंगे। यार बहुत लेट हो चुका है यार, सीरियसली यार, मतलब क्या होगा भगवान, बस काम सारा हो जाए और टाइम से निकल जाए यार। सो भाई लोगों फाइनली अभी पहुंच चुके हैं भाई दौसा, और दौसा में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वहाँ सिकंदरा से निकलने के बाद 20 मिनट लगे मैक्स टू मैक्स। और यहाँ अपनी वही फेवरेट शॉप, वहाँ मारूंगा मैं एक रेडबुल, क्योंकि बॉडी में हो चुकी है एनर्जी डाउन, तो अब एनर्जी लेनी पड़ेगी भाई लोगों। और ये आ चुके अपने भैया की शॉप, और यहाँ आज बाइक इधर ही लगा दी जाए। सो भाई लोगों लेनी थी एनर्जी, जो ले चुके हैं हम भाई रेडबुल के द्वारा। और अभी भाई दौसा क्रॉस कर रहे हैं अपन, और यहाँ से अपने को लगेगा भाई मैक्स टू मैक्स 1 आवर, जहाँ हम सीधा पहुँच जाएंगे करण मोटो मार्ट, और भाई 3 बजे तक अपना काम चालू हो जाएगा, तो 5 बजे तक अपन फ्री हो जाएंगे। और 5 बजे पे अगर अपन निकल जाते हैं तो भाई 8 बजे तक अपन घर पहुँच जाएंगे ईजीली। और भाई रात की जो है ना अपनी क्लास लगने वाली है, क्यों क्लास लगने वाली है भाई लोगों मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने अंदर पहन रखी टी शर्ट और ये राइडिंग जैकेट जो है ये मैश वाली है, मतलब एयर पास हो जाती है भाई इसमें से। और भाई रात को लगने वाली है अपने को ठंड, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी करेंगे यार। मैं जैकेट और वार्मर वगैरह कुछ भी नहीं लेके आया, तो ट्राई करूँगा डेकैथलॉन जाके एक वार्मर ले लूँगा, इनर वार्मर, तो शायद से थोड़ी सी जान बच जाए उसमें, बाकी देखते हैं जो होगा वही देखा जाएगा। भाई अंकल मजे में, अंकल को नहीं है पीछे की टेंशन, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, नहीं अपना चल लीजिए, मस्त गाड़ी उनके अंकल की। और भाई अभी लेना भी है पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल आ चुका है रिजर्व में, मेरी बाइक आ चुकी है, तो आगे पंप देख के भाई पेट्रोल लेते हैं, फिर सीधा चलेंगे जयपुर। सो भाई लोगों अभी आ चुका है मालवीय नगर, और करण मोटो मार्ट बस ज़्यादा दूर नहीं, आगे से टर्न आने वाला राइट के लिए, सीधा जाओगे तो भाई पहुंच जाओगे मानसरोवर, अपने को होना राइट मालवीय नगर के लिए। और करण मोटो मार्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, और ये वाला अभी स्किप करना पड़ेगा टर्न, आगे वाले टर्न से ये हो जाएंगे हम यहाँ से राइट, और राइट होने के बाद हो जाएंगे लेफ्ट, और पहुँच जाएंगे अपन अपने करण बे की शॉप पर। भाई काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं कि यार मतलब कि आप जयपुर क्यों जाते हो बाइक को लेके, सर्विस वगैरह सारा कुछ वहीं पर ही क्यों करवाते हो, भरतपुर क्यों नहीं करवाते हो? तो भाई लोगों ऐसी कुछ बात नहीं है, ट्रस्ट वाली बात होती है यार, मेरे को ना करण भैया पे आँख बंद करके भरोसा है कि वो काम ऐसा करते हैं एक नंबर। तो मैं थोड़ा पेट्रोल लगेगा तो टाइम वेस्ट होगा, बट मैं काम ऐसा कराना चाहता हूँ कि मुझे कोई बाद में दुख ना हो, तो इसलिए मैं भाई प्रेफर करता हूँ करण मोटो मार्ट, और आपको भी सजेस्ट करूँगा करण मोटो मार्ट का। और ये आ चुके हैं अपन करण भैया की शॉप पर, आ गए जी। सो भाई लोगों काम हो चुका है करण मोटो मार्ट से, अभी फ्री हो गया हूँ भाई, अब हो रहे हैं 7:30, आई एम डैम श्योर मेरे को पहुँचते भाई आराम से 10:30-11 बज जाएंगे, और आज घर वालों से भी डायलॉग भाई पढ़ने वाले हैं हंस के, हे भगवान बचा लेना, आज घर वाले छोड़ने वाले नहीं है भाई। चलो जी अब निकला जाए, क्या कर रहा है भाई। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, हमारे घर वाले हमें जो भोग देंगे हम सुन लें। जस्ट जोकिंग गाइस, अब जो घर वालों से भोग पड़ने हैं तो भाई पड़ने के। सो भाई लोगों अभी निकल चुके हैं सिटी से बाहर, और यहाँ आने वाला है पहला वाला टोल टैक्स, जो करीबन जयपुर से पड़ता है 30 किलोमीटर के अराउंड। और भाई ठंड जिस लेवल पे हो रखी है ना वो मुझे ही पता है,
और मैं राइडिंग जैकेट पहन के आया था, वो भी मैश वाली, मैंने बताया था आपको, और अंदर सिर्फ टी शर्ट। वो तो मेरा कज़न यहाँ रहता है ऋतिक, तो मैंने उसको बोला भाई इनर वार्मर दे के जा मेरे को, भाई वो पहन रखा है तब जाके थोड़ी जान बच रही है मेरी। और भाई पैरों की जो हालत हो रखी है ना वो बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं यार, मतलब और ग्लव्स में लाया नहीं था तो अभी देखो हीट वार्मर चालू कर दिया है, तो इससे थोड़ा बचाव है भाई। हाथ तो मैं बिल्कुल छोड़ नहीं सकता, नहीं तो छोड़ता हूँ तो ठंड लगती है, तो वार्मर से मेरी जान बची बच रखी है। और ये आ चुका भाई पहला टोल टैक्स, और टाइम हो चुका है भाई 8 बज गए हैं, तो 10 तो मुझे हंस के आराम से बज ही जाएंगे भाई लोगों। और भाई लाइट्स आप देख ही रहे हो, अपनी बाइक में कोई भी लाइट की कमी नहीं है, चलता फिरता पावर प्लांट है भाई। ओ ये मोफा जी, भाई अभी मैं सिंगल रोड पे था तो मतलब सारी लाइट्स ऑन थी, मैं दिमाग से उतर गया, मैं चेक कर रहा था लाइट्स वगैरह, तो यार एक ना ट्रक वाला बेचारा मेरे को पास मारे कि सर इसको नीचे कर लो, बट मेरे दिमाग में नहीं रहा यार, फिर जब तक मैंने बंद करी जब तक तो वो बंदा निकल चुका था। फिर ओहो भाई क्या ठंड हो रखी है यार, मतलब बाइक धीरे करता हूँ ना थोड़ी जान सी मिलती है, बट भाई चलने दो अब तो 100 तो चलने ही दो। बाकी यार अपनी सेफ्टी के हिसाब से ही चल रहा हूँ मैं यार, मतलब 100 की स्पीड से मुझे पता है कि मैं कवर कर सकता हूँ या कुछ भी कोई बात हो, अपने को कोई दिक्कत नहीं 1% भी। ओहो भाई ठंड ठंड भाई, अभी ना सोच रहा हूँ दोस्तों पे एक ब्रेक तो लूँगा ही लूँगा यार, छोटा सा ब्रेक लेना ही पड़ेगा मुझे ठंड के चक्कर में, और कुछ खाता हूँ पीता हूँ वहाँ पे, फिर बात करते हैं जी आपसे। भाई बाइक का सर्विस का साइन आ चुका है और मैं बस इसका जाके ऑयल ऑर्डर करता हूँ, ऑयल मंगवाते हैं फिर इसकी सर्विस करवाते हैं, क्योंकि मैं यार देखो रॉयल एनफील्ड का ऑयल नहीं इसमें यूज़ करता, मैं लिकी मोली यूज़ करता हूँ। आप लोग देखो कंपनी के हिसाब से चलना, मेरे को मतलब बाहर ज़्यादा जाना होता है तो मैं फुली सिंथेटिक ऑयल यूज़ करता हूँ, और जो कंपनी सजेस्ट करती है वो करती है 10W50 बट नॉर्मल ऑयल, और मैं यूज़ करता हूँ भाई 10W50 सिंथेटिक ऑयल। उससे भाई थोड़ा ये है कि बाइक में ना स्मूथनेस ज़्यादा रहती है यार, तो आई वॉन्ट ए स्मूथनेस, मुझे स्मूथनेस चाहिए होती है। बट आपको एक चीज़ याद मैं बता देता हूँ, आप ये चीज़ कल को कहीं करवा बैठो और फिर ब्लेम आए किसी के ऊपर, तो यार जो आपकी अगर वारंटी में है बाइक तो आप प्लीज़ रॉयल एनफील्ड ही यूज़ करना। अगर आप बाहर से लिकी मोली या कोई भी ब्रांड का डलवाओगे तो आपकी वारंटी अवॉइड हो सकती है, अगर कल को कोई बात हो जाती है इंजन वगैरह में तो आपको गारंटी वारंटी नहीं मिलेगी कंपनी की तरफ से। तो ये जो मैंने करवाया था भाई, ये मैंने अपनी ओन रिस्क पे करवाया था, कि मेरे से जब मैंने फर्स्ट सर्विस करवाई थी लिकी मोली से तो मेरे से ऑलरेडी सारा कुछ साइन करवा लिए थे पेपर, कि सर आपको कल को कोई भी दिक्कत होती है इंजन को रिलेटेड तो उसमें हमारी गारंटी नहीं है। और वो भी उनका भी ठीक है यार, वो गारंटी क्यों लेने लगे, जब अपन खुद ही बाहर का ऑयल यूज़ करें तो वो हमारी गारंटी है यार। तो उन्होंने भाई साफ बोल दिया कि भैया आज के बाद आपकी इंजन की कोई गारंटी नहीं है, आप जानो और आपका काम जाने। तो भाई प्लीज़ भाई लोगों आप अपने हिसाब से देखना, मेरे को लिकी मोली कुछ पर्सनली पसंद है तो मैं लिकी मोली ही यूज़ करता हूँ हायाबूसा में भी और हिमालयन में भी। तो चलो जी अब आगे रुकते हैं कहीं, फिर आपसे बातचीत करेंगे। और अभी तो भाई ठंड ने हालात बिगाड़ रखे हैं, जिस लेवल की ठंड है वो मेरे पैर बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं भाई, मतलब अनदर लेवल यार। जय हो हनुमान जी महाराज। सो फाइनली भाई लोगों आ चुके हैं अपन भरतपुर, और भरतपुर यहाँ से रह गया अभी भाई लोगों 10 किलोमीटर, टाइम हो चुका है 9:42, और भाई यहाँ से मुझे मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगेंगे मेरे घर के लिए, तो चलते हैं भाई घर के लिए। पहले घर बाद में जाएंगे, आयुष और अंकित मेरा वेट कर रहे हैं यार, साथ में एक एक चाय हो जाए, क्योंकि 2 दिन से मैं उनसे मिला नहीं, और ना जब मैं मिलता नहीं हूँ ना उनसे तो मेरे साथ ना भाई मतलब मन सा नहीं लगता मेरा यार। तो सीधा चलते हैं आयुष अंकित के पास, पहुँच गए भाई हम सेवर, और यहाँ से बस मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगा। और ये आ चुका है भाई लास्ट टोल टैक्स। सो हेलो जी, की हाल चाल जी। रात को गए थे बहुत ज़्यादा लेट, मैं पहुँचा था 10:30 बजे घर,
और भाई जो ठंड लगी ना रास्ते में वो मैं ही जानता हूँ, और मैं कुछ भी नहीं पहन के गया था, वो तो बस ऋतिक था वहाँ पर जो मैं बच गया। अगर वो इनर वार्मर ना देता ना भाई तो जान निकल जाती, ये कंफर्म था। बट टचवुड मैं सेफली घर पहुँच चुका था, रात को 10 बजे के अराउंड में पहुँच गया था बस स्टैंड के पास। तो बस स्टैंड के पास मेरे को आयुष और अंकित वहाँ मिल गए थे, साथ में हमारी हमने चाय शाय और दो चार बातें बातें करी, और फिर उसके बाद आ गए थे हम घर पर। और भाई घर पहुँचते पहुँचते बच गए थे 10:30, और थोड़े बहुत डायलॉग तो मिलने ही थे कि ठंड में बाइक से मत जाया करो, ये है वो है फलाना ढिकाना, बट कोई बात नहीं यार, देखो ये भी डायलॉग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो भाई लोगों राइड की चल रही है बहुत मज़ेदारी से तैयारियाँ, और वो तैयारी इतनी शानदार तरीके से चल रही है, बस आप लोग ना साथ बनाए रखना, मज़ा आ जाएगा राइड पे। मैं डैम श्योर कि आपको बहुत एक्सट्रीम राइड दिखाने वाला हूँ, बहुत अल्टीमेट वाली। तो भाई लोगों अभी ये व्लॉग आपको एक दो दिन में मिल जाएगा, तो अभी के लिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। तब तक के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।